अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग ऑन रिकॉर्ड। आज हम बना रहे हैं बिरयानी। तो हमने बिरयानी का मसाला पहले से रेडी किया हुआ था, तो अफ्तारी में हमारी बिरयानी रेडी हो रही है। इससे पहले भी हमने बिरयानी की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, लेकिन आज अफ्तारी में फिर से हमारे यहाँ बिरयानी जो है वो बनाई जा रही है, तो इसलिए हम आपसे इसकी दोबारा से रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये बिरयानी वाले राइस हैं जो हम बॉईल कर रहे हैं गरम मसाला वगैरह डाल के, और एक तरफ हम जर्दे के लिए भी चावल अपने बॉईल कर रहे हैं। सेला चावल की बिरयानी और जर्दा भी उसी चावलों का ही बनता है, तो दोनों चीज़ें हमारे घर में अफ्तारी में बनाई जा रही हैं। पानी बॉईल कर रहे हैं चावलों का। चावल इसमें हरी मिर्चें, गरम मसाला और पुदीना ज़ीरा ऐड है, नमक भी इसमें ऐड है, तो ये भी बॉईल हो। जी व्यूअर्स, हमने एक कप बड़ा ऑयल का लिया है वो डाला है, और दो मीडियम साइज़ के प्याज को अब गोल्डन कर रहे हैं। गोल्डन करने के बाद फिर हम इसमें थोड़े से मसाले जो हैं टमाटर वगैरह और आलू वगैरह सब डाल के भुनाई करेंगे, क्योंकि कोरमा हमने पहले से बिरयानी का तैयार करके रखा हुआ था रात को। अफ्तारी में बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो इस वजह से प्याज अभी बस इसी तरह चमचा चलाना है ताकि एक जैसा गोल्डन हो जाए, कहीं से काला कहीं से ब्राउन ना रहे। जी तो हमने अभी इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है, टमाटर डाल दिए हैं, आलू डाल दिए, क्योंकि दूसरा मसाला तो ऑलरेडी पहले से रेडी था, तो इसलिए ये अभी हम तैयार कर रहे हैं आलू को, और ये मसाला भून रहे हैं। आलू गलेंगे अभी, टमाटर थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे कुक होते होते। अब जा रहा है इसमें नमक, और कोरमे में भी है इसमें थोड़ा सा इसमें। एक चम्मच भर के हमने इसमें नमक डाल दिया। जी एक तरफ हमारा जर्दा तैयार हो रहा है, एक कप जितना हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। ये जो है वो हमने कलर रेड और ग्रीन जो है ना वो रेडी कर लिया है जर्दे के लिए। कोपरा और चुहारे जो है वो हमने कटिंग करके रख लिए जर्दे के लिए। चावल हमारे काम है, तो एक कप जितनी चीनी जो है ना वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कप आपको दिखा दिया है, छोटा कप जो होता है कि चावल अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो ज़ाहिर है चीनी हमने ऐड करनी है थी, तो एक कप जितनी चीनी इसमें हमने डाल दी। अब जा रहा है इसमें पानी, ये चाशनी बन जाएगी। आधा कप इसमें पानी चला गया है, चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी। हरी इलायची का पाउडर भी इसमें शामिल हो गया है, मैं शूट करना भूल गई वो दिखाना। चार इलायची का पाउडर बना के इसमें जो है ना वो हमने ऐड कर दिया है। हमारे जर्दे में चावल भी चले गए जो जर्दे के लिए बॉईल किए थे, सीधा चावल। चाशनी बनने के बाद चावल चले गए, अब इसे करना है कवर अच्छे से मिक्स करके। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए इसको कवर कर रहे हैं। अब हमारे ये खोपरा और खजूरें किशमिश जो है ना वो जा रही हैं चुवाले। सब चला गया, मिक्स हो गया, और इसको दम पे लगा रहे हैं। इसको हल्की आंच पे हमने दम पे रख दिया है, और कलर जो है हम थोड़ी देर बाद इसमें डालेंगे। अब हम इसमें कलर अपना जो है ना वो ऐड करें, ग्रीन कलर और रेड कलर, रेड शॉकिंग पिंक टाइप कलर है ये भी। दोनों चले गए, इसको कर देना है कवर 5 मिनट के लिए। इसको दम पे लगा दिया है कलर डालने के बाद। ये देखें, एक साइड पे हम बिरयानी का कर रहे थे, तो आलू जो है ना उसको हम गला रहे हैं। हाफ डन हो गए, हाफ डन हो चुके हैं। टमाटर भी काफ़ी हद तक जो है वो मेल्ट हो गए, इसको भी थोड़ी देर दोबारा कवर कर रहे हैं। जी एक छोटी प्याली जितना हमने दही इसमें शामिल कर दिया फैट के। हंड्रेड ग्राम जितना इमली का पानी इसमें शामिल कर रहे हैं, इससे टेस्ट भी अच्छा होता है, बिरयानी भी खट्टी बनती है। जी व्यूअर्स, हमने अपना जो बिरयानी का मसाला अलग से तैयार किया था वो भी इसमें शामिल कर दिया। आलू भी गल चुके हैं,
मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसमें इसको रेडी कर लिया, तह लगाने की बारी आई है। आधा कोरमा हमने निकाल लिया और आधा हमने पतीले में रहने दिया है। व्यूअर्स, हम तह लगाने लगे हैं। चावल हमने डाल दिए और उसके ऊपर मसाला डाल दिया सारा, इसको अच्छे से फैला दिया। इसके ऊपर डाला धनिया पुदीना, डाल दिया धनिया पुदीना। अब इसमें जा रही है फ्राई प्याज। अब फिर से चावल जाएंगे। व्यूअर्स, हमने अपनी बिरयानी में सब कुछ डाल के तह लगा के ऊपर कलर उसका डाल दिया। अब इसको हम करने लगे हैं कवर दम के लिए। 20 मिनट्स के लिए हमने इसको दम लगाना है। व्यूअर्स, हमारी फ्रूट चाट जो है वो बनने जा रही है। तो पपीता हमने कटिंग कर लिया है, थोड़ा सा चीकू है, दो तीन चीकू को कटिंग कर रहे हैं। खरबूजा भी कटिंग हो गया हमारा। तो अभी फ्रूट चाट जो है ना वो हम रेडी कर रहे हैं। खरबूजा चला गया कटिंग हुआ हुआ, अब पपीता, अब चीकू उसमें जा रहा है। ये खजूरे, खजूरे साबुत ही इसमें हम डाल रहे हैं। चाट मसाला जा रहा है इसमें हसबे ज़रूरत, 1/2 टीस्पून जितना हम इसमें काला नमक डाल लें टेस्ट के लिए। चीनी जा रही है इसमें, 3 चम्मच जितनी चीनी चली गई है। अब इसमें जाएगी हमारी इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है वीडियो बना के, आप लोग देख सकते हैं। मज़ेदार से चाट जो है वो रेडी हो गई है, सिंपली क्विकली। अब इसको हम फ्रिज में रख रहे हैं ठंडा करने के लिए। जी, एक तरफ हमारा शरबत तैयार हो रहा है अफ्तारी के लिए। चीनी को अच्छे से डिसॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें जाएगा तुख मलंगा जो हमने पहले से भी गोई हुई थी। अब इसमें जा रहा है लाल शरबत, रूह अफ़ज़ा। एक तरफ हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हम पापड़ जो है वो फ्राई करने लगे हैं। ये वाले पापड़ हमारे फ्राई हो रहे हैं जी, ये बच्चों के लिए, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये वाले हमारे पापड़ जी। व्यूअर्स, पापड़ भी फ्राई हो गए, उसको भी हमने अच्छे से निकाल लिया छान के। शरबत भी हमारा रेडी हो गया है। अफ्तारी में थोड़ा टाइम है इसलिए बर्फ़ जो है वो एंड में शामिल होती है, तो फिर इसमें बर्फ़ और थोड़ा सा पानी जाएगा। हमारी हर चीज़ तैयार हो गई है अफ्तारी के लिए। चाट भी रेडी हो गई है, बिरयानी ज़रदा भी तैयार हो गया है, पापड़ भी तैयार हो गए हैं। बाकी हमारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, समोसे, रोल और पकौड़े। जी व्यूअर्स, हमारा जर्दा भी तैयार है और अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। कलरफुल, अब बिरयानी को डिश आउट करना है मिक्स करके। खुशबू आ रही है जी। व्यूअर्स, हमारी इफ्तारी तैयार है। बिरयानी, ज़रदा, फ्रूट चाट, पापड़ और रोल, समोसे, पकौड़े हमारे बाहर से आ रहे हैं जी। व्यूअर्स, आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल। हमारा इफ्तारी टाइम हो गया है, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।